मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर लगी नुकीली बैरिकेड से नीलगाय की मौत हो गई। दरअसल परिक्रमा मार्ग में एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाई गई थी। परिक्रमा मार्ग में कराई गई बैरिकेड्स वन विभाग के संरक्षण क्षेत्र में कराई गई है, जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कई बेजुबान इस बैरिकेडिंग की जद में आ गए हैं। इसी तरह परिक्रमा मार्ग से बैरिकेड्स को उछलकर जंगल की ओर जा रही नीलगाय के पेट में लोहे की नुकीली रोड घुस गई। स्थिति यह हो गई कि लोहे की नुकीली रोड पर नीलगाय बुरी तरह से फंस गई, ना तो आगे जा सकती थी और ना ही पीछे। नीलगाय के पेट में लोहे का सरिया और अधर में लटकती नीलगाय को देख हर कोई मदद के लिए आगे बढ़ा। गाँव वासियों द्वारा जैसे तैसे नीलगाय को वहां से निकाला गया, लेकिन बुरी तरह से घायल हुई नीलगाय ने कुछ ही समय बाद दम तोड़ दिया। इस दौरान ना तो वन विभाग के अधिकारी ने मौके पर आना मुनासिब समझा और ना ही किसी पशु चिकित्सक ने। ग्रामीणों का कहना है कि इस नुकीले लोहे के बैरिकेड्स के कारण आए दिन जानवर हादसे का शिकार होते रहते हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज घटना ये हुई है कि जतिपुरा पूंछरी परिक्रमा मार्ग में, आज से नहीं कई घटनाएं हुई, कई बार हुई है ऐसी घटनाएं, लेकिन आज की घटना हमने अपनी आंखों से देखी है। कई परिक्रमार्थियों का फोन आया कि नील गाय जो विकास प्राधिकरण के द्वारा जो पूरे परिक्रमा मार्ग में जो जाली लगाई गई है उसमें नुकीले सुए लगाए गए, और उन नुकीले सुओं की वजह से कम एक दर्जन से अधिक वन गायों की हत्या हो चुकी है। कई बार विकास प्राधिकरण को अवगत कराया गया, वन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया कि आपकी जो ये जाली लग रही है ये बहुत ही गलत है, इससे इतने वन्य जीवों की हत्या हो रही है गिरिराज जी की तरेटी में, जिससे कि परिक्रमार्थियों की और ब्रजवासियों की भावनाएं बुरी तरह से आहत होती हैं। कई बार कहा गया है, आज इतनी नितांत हत्या हुई है। आपने भी देखा होगा कि गाय किस तरह से उसमें फंसी हुई थी, उसके पेट में बच्चा था, किस तरह से वो डकरा रही थी, कितने परिक्रमार्थियों ने उसमें पूरा संतों ने उसको कोशिश की उसको निकालने की, नहीं निकाल पाए, घंटों उसमें लगे रहे और फिर तब जा करके जाली को तोड़ करके गाय को निकाला, लेकिन अंततः तो वो मर गई। ये जो माननीय एनजीटी के द्वारा गिरिराज परिक्रमा मार्ग में जो आरक्षित वन ब्लॉक है उसको सुरक्षित करने के उद्देश्य से जालियों का कार्य लगाया गया है, जाली का निर्माण कराया गया है। जैसा कि आज एक उन जालियों में फंस के जतिपुरा में नील गाय की मौत हो गई, उस पर क्या है? आज सुबह सूचना प्राप्त हुई लगभग 9:40 के आसपास कि जतिपुरा में सुरभी कुंड के पास एक नीलगाय घायल हो गई है। सूचना प्राप्त हुई मेरे द्वारा योगेंद्र सिंह मरणक्षक तथा एक दैनिक श्रमिक को वहीं मौके पर भेजा गया, उसके उपरांत फिर उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई घायल नीलगाय जो उसकी डेथ हो गई है। तो मेरे द्वारा जैसे सूचना देने के बाद मैं यहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी भूपेंद्र सिंह को लेने के लिए मौके पर अपनी गाड़ी से तत्काल पहुँचा। वहाँ से जैसे हम लोग रास्ते में पहुँचे, यहाँ से निकले थे, तो सूचना प्राप्त हुई कि नीलगाय की डेथ हो गई। मौके पर ही हम लोगों के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया, गड्ढा खोद कर उसको वहीं पंचनामा भरकर दफना दिया गया।